वादी नारान का ये खूबसूरत मंजर यहाँ पर इसकी खूबसूरती को और दुबला करता है। इस मुकाम पर यहाँ जो मैं बैठा हूँ, इसको बंजोटा कहते हैं। बंजोटा तकरीबन नारान से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। जब आप बाबूसर टाप जाते हैं तो रास्ते में ये बंजोटा आता है। बंजोटा में यहाँ पे होटल्स भी हैं, वहाँ पे नारान के लोग कहने कि यहाँ पे थोड़े होटल थोड़े अच्छे और रिजनेबल भी हैं, लेकिन ये सारी बातें गलत हैं। क्योंकि कल रात हम आए और यहाँ पे चूँकि बिजली नहीं है तो यहाँ पे जनरेटर से काम चलाया जाता है, ना कोई इसकी सहूलत है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो नज़ारे हैं ये खूबसूरत नज़ारे हैं। इस वक्त ये दरिया जो है अपनी खूबसूरती जो है ये अपना दिलकश नज़ारा पेश करता है। और ये दरिया जब आप मानसेरा से शुरू हो जाते हैं नारायण तक, तो ये दरिया आपका साथ, उनका सफ़र आपके साथ होता है। नाज़िर, अब हम बाबूसर टॉप से वापसी पे नारान की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में पूरे नारान में ये तमाम खूबसूरत वादियाँ जो है ये मंजर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात है नारान में कि यहाँ पे एक तो ये साइन बोर्ड्स जो है इनके जो है किलोमीटर्स का पता नहीं चलता। दूसरी बात ये कि यहाँ पे होटलों में वो तमाम सहूलतें मुयसर नहीं जहाँ पर टूरिस्ट को होनी चाहिए। रेट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रेट्स हैं और खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं। और दूसरा, होटलों में जो है ना कोई इस्त्री का बंदोबस्त है, ना बिजली का बंदोबस्त है, तो यही वो हालात है। दूसरी बात ये है कि रास्ते में जगह जगह पॉइंट्स पर जो है आपको साइन बोर्ड्स नहीं मिलेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियाँ सामने। अब हम इस वक्त नारान की तरफ जा रहे हैं। नारान तकरीबन अभी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। हम वापसी पे जा रहे हैं बाबूसर टॉप से।